सोमवार रात को पीपला क्षेत्र के कूचक मोहल्ले में डीबी स्क्वाड पुलिस ने अवैध शराब अड्डे पर छापा मारा। उक्त घटना में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और घटनास्थल पर मिले मुद्देमाल को जब्त कर लिया गया। खापरखेड़ा पुलिस को कुप्रसिद्ध कूचक मोहल्ले में अवैध शराब बिक्री के अड्डे की एक खबरी द्वारा गुप्त जानकारी मिली। इससे जानकारी के आधार पर डीबी स्क्वाड के इंचार्ज एपीआई दीपक कांकरेडवार के साथ टीम ने जाल बिछाकर छापेमार कार्रवाई की। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विकेश उर्फ विक्की देवीदास चंद्रिकापुरी उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 4 कूचक मोहल्ला पीपला राजू बालकृष्ण आमधारे 38 वर्ष दहेगांव ऐसा गिरफ्तार आरोपियों के नाम बताए जा रहे हैं। घटनास्थल से पुलिस ने 3 रबर ट्यूब और एक बड़ी प्लास्टिक कैन में 400 लीटर मोहफूल शराब जब्त की है जिसकी कीमत 40,000 रुपए और 2 मोटरसाइकिल जिसकी कीमत 87,000 रुपए कुल 1,27,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। रेड मारने की कार्रवाई में खापरखेड़ा थानेदार प्रवीण मुंडे एपीआई दीपक कांकरेडवार उमेश ठाकरे दीपक रेवतकर अश्विन गजभिये प्रमोद भोया मुकेश वागड़े आशीष पुरे गुरु प्रकाश मेश्राम नुमान शेख आदि पुलिस टीम का सहभाग था। एपीआई दीपक कांकरेडवार की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और खापरखेड़ा पुलिस आगे की जाँच कर रही है। एनबीसी न्यूज के लिए खापरखेड़ा से कैमरामैन सुशील सहारे के साथ दिलीप गजभिये की रिपोर्ट।